गगन होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। भक्तराज, आपने माता का भजन सुना के हमें बहुत प्रसन्न किया। अब हमें माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनाइए। भक्तों, माता वैष्णो देवी की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की कथा सुनता है, माता की आराधना करता है, माता की पूजा करता है, इस कलयुग में उसके सब पाप मिट जाते हैं, उसके सब दुख मिट जाते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी। बोलो जय माता दी, जय माता दी। भक्त जन नंगे पांव वैष्णो देवी आते हैं,
वैष्णो देवी आके माँ के दर्शन करते हैं। काली माँ, वैष्णो माँ, सरस्वती माँ तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वह कंजके पूछते हैं, लोंगटा पूछते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और माँ अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु से हुई और जब एक दानव ने घोर तप करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश की तो ओम ब्रह्म देवताय नमः, 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 ओम ब्रह्म देवताय नमः। दैत्यराज आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्म देवता आप? प्रणाम ब्रह्म देवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके, मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, आज से मैं अमर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूं। दैत्यराज की जय हो, दैत्यराज की जय हो। जाओ पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करें, और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। ओम शरणं मंगले शिवे स्वाहा, चरणं सबके नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणं मंगले शिवे स्वाहा। आज से तुम्हारे भगवान हमारे दैत्यराज हैं। दैत्यराज की जय, दैत्यराज की जय। बंद करो ये। भगवान नारायण जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि, क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर बात क्या है। प्रभु आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वी लोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु उस दैत्यराज का संहार करके
मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी, ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पाद बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगी। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन सुन नारायण नारद भये अधि आवाहन मां का किया माता हरो भवपि। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवधनी, जबकि संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदंबे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूँ। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंह हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख।
धन्य हूं मां वैष्णो देवी, आज आपने संसार से पाप का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराई है। धन्य हो मां। धन्य हो। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता, प्रणाम मुनिवर। प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैं दैत्यराज का संहार करके वापस लौट आई हूँ। नारायण नारायण। धन्य हो देवी, धन्य हो। धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, तुमने ये कठिन कार्य पूर्ण करके सचमुच हम माताओं को धन्य किया है। हे देवाधिदेव, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया, अब अपनी सनुचरी को अपने में समा लीजिए भगवान। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत से महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्म रक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों और संकटों का समाधान करना है। प्रभु ये कार्य तो मैं आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, ये महान कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की ध्वजा फहराओ। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भगवान। अपने नए अवतार के रूप में जन्म लेकर तुम सतयुग में ही नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी धर्म की रक्षा करोगी। जाओ वैष्णवी, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। महाराज की जय हो। हमारी प्रजा बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ महामंत्री, हम भी दिन रात उसी ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज ज्योतिष ने बताया है कि वो शुभ घड़ी अब आ पहुंची है। बधाई हो, महारानी ने एक तेजस्वनी कन्या को जन्म दिया है। कन्या? बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। राजकुमारी के जन्म लेते ही सारा राजमहल जगमगा उठा। ये लीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान बाबू, बधाई हो राजन, बधाई। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली है। दीप जलाइए, उत्सव मनाइए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है राजन, स्वयं भगवान विष्णु ने तीन महाशक्तियों से जन्म लेने वाली संसार की महाशक्ति को आपके यहां जन्म दिया है। राजन हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। पधारिए देवऋषि, पधारिए। ना करती मन बगिया में आ गई नई बहार, रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार। दीप महल के जल उठे शक्ति लियो अवतार। देवऋषि, इस कन्या के नामकरण के विषय में आपका क्या विचार है? राजन, इस महादेवी का नाम तो विष्णु भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। पहले से ही निश्चित कर रखा है? हाँ राजन, क्या? इस राजकुमारी का नाम त्रिकुटा है और यही त्रिकुटा आगे चलकर प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत की देवी वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होगी। वैष्णो देवी? नारायण नारायण। माता वैष्णो देवी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहन काली, अब तो हमारी त्रिकुटा
बाल अवस्था से गुजरकर युवावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी जीवा पर एक ही नाम है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। महादेवी के इस अवतार को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं नारद जी, आप तो देवऋषि हैं, मैं तो केवल अपने भगवान विष्णु के चरणों की दासी हूं। न जाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। शीघ्र ही। भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए इस त्रेता युग में अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया है। दशरथ नंदन श्री राम? हाँ, और अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं देवऋषि? हाँ त्रिकुटा, और इस समय वो अपना एक और प्रण निभाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण कर चुके हैं। सच मुनिवर? भगवान विष्णु के जिस अवतार को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हो रही थी, क्या मैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी? अवश्य, अपनी भक्ति और तपस्या से तुम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकती हो। नारायण नारायण। राम श्री राम। कहां है आप? हे प्रभु, आप कहाँ हैं? राम, दर्शन दो राम। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मण, मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया था। मेरे वनवास की सूचना पाकर उसने मेरा दर्शन पाने के लिए स्वयं भी राजपाट का सुख वैभव छोड़कर वनवास ले लिया है। श्री राम 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 श्री राम। जय शिव शंकर, जय सती मैया की। पधारो मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं भगवान शिव को भी देना चाहता था, परंतु वो तो ध्यान मग्न है, जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णो की आज्ञाकारी वैष्णवी अब वनवासन हो गई है। देवऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे दुख किस बात का? नारायण नारायण। दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय यह वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिलेंगे, और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नी व्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है, लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन ले और उसे। माता,
सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को। नारायण नारायण, क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण, मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी। भैया, हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर अभी तक नहीं लौटे, मुझे तो चिंता हो रही है। धैर्य रखो लक्ष्मण, हर काम समय आने पर ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो सीता माता का? आपकी कृपा से मैंने सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ लिया है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को अपनी वाटिका में बंदी बना के रखा है। जय श्री राम, जय हो प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही सीता माता को लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मैया ने आज्ञा दी कि श्री राम स्वयं ही आकर मुझे ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया, सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। आप सुरक्षित तो है ना माता? आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ, अब रावण से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? प्रभु, आइए अयोध्या लौट चलें, वनवास का समय पूरा हो रहा है। प्रणाम माता। प्रभु, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो, ये तो जगत जननी पार्वती माता हैं, जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई हैं। प्रणाम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी, मेरा भ्रम दूर हुआ, इस व्रत से आपको कोई नहीं टिका सकता। प्रणाम। प्रणाम माँ। पार्वती मैया की। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया माँ? भगवान, मुझे त्रिकुटा की चिंता हो रही है, आपने उसे इस जन्म में मिलने का वचन दिया था, वो आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है, उसे दर्शन दीजिए भगवान। जैसी आज्ञा माँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। हे नाथ, हे प्रभु, अपना दिया हुआ वचन भूल गए थे? मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस राम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हुआ हूँ, मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं नहीं प्रभु, अब मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो? मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, क्या लौटकर आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी, आपके लौटने की प्रतीक्षा में मैं यहीं पर राम नाम का जाप करती रहूंगी। प्रभु दर्शन से त्रिकुटा का
मनवा गयो हर्षा, पग चिन्हों की धूली को मस्तक लियो लगा, मस्तक लियो लगा। नारायण नारायण। यह भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रभाव है देवी। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमान को रोक दिया? भगवान विष्णु की आराधिका वैष्णवी की शक्ति, जो इस समय हमारे लिए तपस्या कर रही है। तपस्या किस लिए? हनुमान, तुम तो जानते हो कि हमने त्रिकुटा को दर्शन देने का वचन दिया है। हाँ, उस वचन को पूर्ण करने के लिए हमें जाना ही होगा। भैया, वैष्णवी त्रिकुटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। यही तो वो रहस्य है जो इस समय हम तुम्हें नहीं बता सकते। भक्ति के प्रभाव से ये त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी और जन जन के दुख दूर करेगी। चलो हनुमान। जो आज्ञा प्रभु। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। किसके ध्यान में इतनी मग्न हो कि साधु की भिक्षा की पुकार भी नहीं सुनाई दी? श्री राम के ध्यान में। मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूं महात्मन। महात्मन, क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हां देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते।
तुम सच कह रही हो देवी, तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी, हम मुक्त हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहती हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी, धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ, जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल्कि अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करती हुई मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री हनुमान। प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। मुझे क्षमा करना बेटी, तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हुई। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करो और भटके हुए मानव को सत्य और भक्ति की राह दिखाओ। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश, महाशक्तियों के संग करने चली निवास। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती, आज से हमारी बेटी त्रिकुटा भगवान श्री राम की आज्ञानुसार हमारे साथ ही रहेगी। श्री राम की आज्ञा पाकर देवी त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में अपने आदि स्थान त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी और वहां तीन महाशक्तियों की पिंडी के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। जय माता दी, जय माता दी। तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
आए नाचे गाए उत्सव मनाए नाचे गाए चलो मैया के दर जाए। जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। रंगोली सजाए फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए सारी धरती ये महकाए। जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी की जय जयकार हो रही है गुरुदेव। वैष्णव देवी गोरखनाथ जी ये तुम क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूं गुरुदेव। वैष्णव देवी जिस वैष्णो देवी ने सतयुग में हमारे पूर्वज दैत्यराज का संहार किया था क्या वही वैष्णो देवी फिर से लौट आई है? हाँ गुरुदेव और सभी लोग कह रहे हैं कि ये किसी महाशक्ति का अवतार है। गुरुदेव इसने सभी पापियों के पाप धो डाले और उन्हें धर्म के रास्ते पर लगा दिया। अगर यूं ही चलता रहा तो हम दैत्य के वंशजों को कौन पूजेगा? जाओ उन सब से कह दो कि जो भी वैष्णो देवी का नाम लेगा उसे भैरवनाथ नष्ट कर देगा। जय बाबा भैरवनाथ। बंद करो ये धर्म का नाटक। आज से जो भी वैष्णो देवी का नाम लेगा हम उसे नष्ट कर देंगे। माँ वैष्णो देवी हमारी माता है। बोलो वैष्णो माता की जय। जय माता दी। अरे सुनो सुनो मूर्खो सुनो हमारी बात का विरोध करके जा रहे हो। हम सर्वशक्तिमान है देखो इसका परिणाम। ओ लीला क्या हुआ आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ सुना तुमने?
भैरवनाथ ने सारे गांव में अत्याचार मचा के रखा हुआ है। जो भी देवी माँ का नाम लेता है वो उसे मार डालता है। आज से तुम भी देवी माँ का नाम मत लेना, समझी? हाँ समझ गई। मगर तुम्हारा भाई कहाँ मानने वाला है? कहाँ है वो? अरे सुबह अनाज लेने भेजा था, आया नहीं अभी तक। होगा किसी मंदिर में। लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ, तुझो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। तेरे चरणों पे वारू बोली माँ, ओ माँ, ओ
लोग चलो यहां से, जल्दी चलो। बेटा बेटा चलो, सब लोग चलो यहां से। क्या बात है? आपको मालूम नहीं, भैरवनाथ जी की आज्ञा है कि जो भी माता वैष्णो देवी का नाम लेगा उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। नहीं। चलो सब लोग चलो जल्दी। ये अंधेर कब तक चलेगा पुजारी जी? मां के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और उसकी भक्ति का उजाला इस अंधेरे को मिटा देगा बेटा। बस तुम पूरे विश्वास के साथ मां वैष्णो देवी की पूजा में लगे रहो। जानता हूं मां हमें इस परीक्षा में अवश्य सफल करेंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो भोजन की सामग्री ले जानी थी। मैं चलता हूं। जय माता दी। जय माता दी। भाभी, ओ भाभी। आ गए, कहां मर गए थे अब तक? सुबह से भेजा था, शाम को घर चले आ रहे हो। देवी के दर्शनों के लिए गया था। ओहो, देवी के दर्शनों को गए थे? सुनो जी, मैं ना कहती थी ये देवी का भक्त अपने साथ हमारा भी घर जलवाएगा। ऐसा ना कहो भाभी। जय माता दी। जय माता दी। देखो श्रीधर, अब देवी का नाम लेना बंद करो, किसी ने सुन लिया और भैरवनाथ को खबर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं माता वैष्णो देवी को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। मां तो मेरी सांसों में, मेरे प्राणों में बसी है भैया। बचपन में जब हमारी मां हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, तब माता वैष्णो देवी ने ही मुझे बड़ा किया। उनकी कृपा से ही मेरा पालन पोषण हुआ और पूरे जीवन उन्होंने मेरी रक्षा की। और मेरी ही क्या भैया, वो तो आपकी, हमारी सबकी रक्षा करती हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। चुप रहो, बंद करो अपनी ये बकवास। हमें नहीं सुनना है तुम्हारी जय माता दी। और देवर जी कान खोल कर सुन लो, आज इस घर में ना तुम्हारी देवी मारेगी और ना तुम। मैं कहता हूं मान जाओ और भूल जाओ उस देवी का नाम। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी मां का नाम ना पुकारूं। मरते दम तक मैं अपनी मां वैष्णो देवी का नाम पुकारता रहूंगा, पुकारता रहूंगा। जय माता। ये लो अपनी देवी मां की मूर्ति और निकल जाओ यहां से, और बसा लो अपना घर संसार पुरखों वाले मकान में अपनी इस देवी के साथ। जाओ निकल जाओ यहां से। चलो जी। स्वामी क्या हुआ, आप इतने दुखी और परेशान क्यों लग रहे हैं? ये माता की मूर्ति लेके कहां जा रहे हैं? सुलोचना, अब भैया और भाभी के घर में हमारा कोई स्थान नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लगता है अब हमारी भक्ति भी भैया और भाभी के सुखी जीवन में कोई विघ्न डाल रही है। अब हमें कोई नया घर ढूंढना होगा। आप चिंता क्यों करते हैं स्वामी, मैं आपके साथ हूं। हम दोनों मिलकर पुरखों वाले घर में एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसी माता की इच्छा। चलें स्वामी। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। चमत्कार हो गया गुरुदेव। आपके डर के मारे सभी गांव वालों ने देवी की भक्ति करना बंद कर दिया। अच्छा। परंतु परंतु क्या? परंतु गुरुदेव, एक भक्त ऐसा है जो हट करके बैठ गया है, कहता है कि देवी की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो? पंडित श्रीधर। माँ, आपकी कृपा से हमने इस घर में प्रवेश किया है, हमारी रक्षा करना। स्वामी ऐसे क्या देख रहे हैं? सुलोचना, तुम जैसी पत्नी मिली मुझे, भला मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है इस संसार में। जय माता दी। जय माता दी।
कल ही कुछ साधुगणों को लेकर उसके घर जाओ जी। भोजन और दक्षिणा की मांग करो जो कभी पूरी नहीं कर पाएगा जी। साधुओं के अपमान का उसे श्राप लगेगा जिससे उसे कभी संतान नहीं होगी। और यदि उसने भोजन का प्रबंध कर भी दिया तो लो ये लो ये जड़ी बूटी उसकी पत्नी को प्रसाद के रूप में खिला देना जिससे वो कभी मां नहीं बन सकेगी। जाओ जय बाबा भैरवनाथ। जो आ गया गुरुदेव। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। आयुष्मान भव पुत्र अलख निरंजन। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। क्यों पेट में आग लगी है? हाँ बाबा। हाँ भोजन करवाए। जैसी इच्छा। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। प्रणाम। जीते रहो बेटा जीते रहो। मेरे अहो भाग्य कि आप जैसे महापुरुष मेरे यहाँ पधारे। आइए और इस घर को पवित्र कीजिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। देखो बेटा साधु की सबसे बड़ी सेवा होती है भक्ति प्रसाद। साधुनम भोजनम प्रिया। क्यों साधु जनो? तो बेटा यदि तुम हम सबको भोजन करवा सको तो हम तुम्हें माने करवा सकोगे। मेरे अहो भाग्य महात्मन जी जो आप सब साधु जनों को भोजन करवाने का मुझे अवसर प्राप्त हो। जय माता दी। जय माता दी। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। निरंजन। 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 आइए बाबा आइए। प्रणाम। सुलोचना कुछ साधु महात्मा लोग बता रहे हैं मैंने उसे भोजन के लिए आग्रह किया है। भोजन? लेकिन आप खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो मैं धनी राम की दुकान से कुछ ले आता हूँ। तब तक तुम उनकी सेवा करो मैं भी आता हूँ। अच्छा। अलख निरंजन। धन्यवाद धनी राम जी। जय राम जी की। जय राम। धनी राम जी। जय माता दी। अरे सुबह सुबह आपने ये क्या कह दिया? आपको भैरवनाथ के नाम से डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? माँ का नाम लेने से तो डर भाग जाता है धनी राम जी। हाँ ठीक है ठीक है। क्या काम है बताओ? मेरे घर पे कुछ साधु महात्मा लोग पधारे हैं उन्हें भोजन करवाना है। तो आप भोजन करवाइए उन्हें। मुझे उसमें क्या? लेकिन जब तक आप भोजन की सामग्री नहीं देंगे तो मैं उन्हें भोजन करवाऊंगा कैसे? देखिए पंडित जी धन के बिना सामान नहीं मिलेगा। धन लाए हो? धन? धन तो मेरे पास। धन नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा। जाओ और कहीं जाके सामान लो। ना जाने सुबह सुबह कहां से चले आते हैं। धन नहीं है। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना। मेरा और सहारा कोई ना। गुरुदेव अवश्य सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या। हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते। बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव। हाँ। वो आते ही होंगे। मैं निर्बल निर्धन दीन बड़ा मैं घिर गया गम के घेरों में। माँ ज्योति कहीं डूब न जाऊं अंधेरों में। कमजोर हूं मैं मैया। कमजोर हूं मैं मैया। मेरी चिंता मिटाने आ जाओ। मेरी चिंता मिटाने आ।
जगदाते पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। माँ माँ इन्हें क्या हो गया है? माँ माँ हमारी लाज रख लो माँ, ये अभी तक नहीं आए माँ, और गुरु जी कितने क्रोधित हो रहे हैं माँ। तेरे भरे हुए भंडार है माँ, मोहताज में दाने दाने का। तेरे होते हुए दिल कांप रहा, तेरे द्वार किस दीवाने का। इसे पार लगाने आ जाओ, इसे पार लगाने आ जाओ, जगदाते पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। चलो यहाँ से, कोई फिर मजा नहीं मिलेगा यहाँ पर। नहीं गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, वो आते ही होंगे, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए। और कितनी प्रतीक्षा करें हम, प्रतीक्षा करते करते हम थक चुके हैं। साधु जनों, इसके पति ने हमें धोखा देने का पाप किया है, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम तुम्हारे पति को श्राप देकर भस्म कर देंगे। एक गरीब की कुटिया न लोगों की नजर से गिर जाए। ऐसा मत कीजिए, हम बताया कीजिए, वो सामान लेकर आते ही होंगे। विश्वास के रंगों पर मैया कहीं पानी न फिर जाए। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं, कुछ सूझे ना, क्या करूं, कुछ सूझे ना। कोई राह दिखाने आ जाओ, कोई राह दिखाने आ जाओ, जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने। कैसे इन लोगों को बिना भोजन भेज दूं माँ, ये तो अभी तक आए भी नहीं है माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ। सुलोचना, सुलोचना बेटी, सुलोचना। प्रणाम। सुखी रहो। आप कौन है माँ? मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ। माँ? हाँ बेटी, मेरा पुत्र भजन में लीन था, माँ तो अपना कर्तव्य करने चली आई। ये मेरे पुत्र के अतिथियों के लिए भोजन है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी माँ, आइए। जय माता दी। लीजिए लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अलख निरंजन, जय बाबा भैरवनाथ। साधु जनों, प्रसाद ग्रहण करो। जय हो। बेटा श्रीधर, लो प्रसाद लो। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? मैं तो भूल ही गया था,
घर पर आए हुए साधु महात्माओं के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध करने के लिए निकला था। सुलोचना पर क्या बीत रही होगी? ओम बाबा भैरवनाथ। आत्मा तृप्त हो गई माई, आत्मा तृप्त हो गई। माई, इस पुड़िया में हमारे आशीर्वाद का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। ग्रहण करो इसे माई। अब क्या सोच रही है माई, इसे ग्रहण क्यों नहीं करती? इसे समृद्धि होगी, ये हमारे आशीर्वाद का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। जय माता दी। जय तुलसी मैया। जय माता दी। अब आ रहे हैं आप? स्वयं आने के बजाय किसी माता जी के हाथ भोजन भेज दिया, और वो भी तैयार किया हुआ। माता जी? कैसी माता जी? सुलोचना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूं कि मैंने किसी माता जी को नहीं भेजा। तो फिर वो कौन थी? अब मैं समझ गया सुलोचना, अब मैं समझ गया। वो सचमुच माता वैष्णो देवी थी, सचमुच माता वैष्णो देवी। माँ, मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं। आप यहां आई और मैं आपके दर्शन भी ना कर पाया। मैं कितना अभागा हूं मां, मैं कितना अभागा हूं। मैं कितना अभागा हूं मां। मन छोटा मत कीजिए। नहीं स्वामी, आज नहीं तो कल हमारे दर्शनों की इच्छा माता अवश्य पूरा करेंगी। कल से नवरात्रि का त्योहार है, हम दोनों मिलकर उनका व्रत रखेंगे। जय माता दी, जय माता दी। अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अरे गंगा, इसकी शादी को तो 9 साल हो गए लेकिन इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। अरे इस मनुष्य की बातें मत कर, ये जिंदगी भर बांझ की बांझ रहेगी। श्रीधर तो निपुता ही रह जाएगा, उसका वंश कभी नहीं बढ़ेगा। अरे ये तो मनुष्य है मनुष्य, इसका मुंह देखना भी पाप है। अरे श्रीधर की मत मारी गई जो इस बांझ से शादी की। अरे बहन, ये तो पंडिताइन है ना, ये इतना भी नहीं जानती कि नवरात्रि में 9 कन्या का पूजन करने से मन की सारी इच्छा पूरी होती है। हाथ जोड़ के माता के द्वार खड़ी हो जा। Thank you.
गुरुदेव, गुरुदेव आपकी भक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई। चुप गोरख के बच्चे। बच्चे कैसी बातें करते हैं प्रभु, मैं तो आपकी तरह ब्रह्मचारी हूँ। मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने कहा ना चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं प्रभु, वो जो जड़ी बूटी आपने सुलोचना के लिए दी थी ना, वो बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी? हाँ। कैसे? श्रीधर और सुलोचना संतान प्राप्ति के लिए नौ कन्याओं का पूजन करके माता वैष्णो देवी को प्रसन्न करने वाले हैं। फिर संतान हो जाएगी प्रभु। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। जय माता जी। जय माता दी। सुलोचना जी, कन्याओं के लिए भोजन लगाओ। जी अभी लाए। माता रानी, ये लो प्रसाद ग्रहण करो। ये लो पूरी लो, लो ना। प्रेम से बोलो। चलो बच्चों, प्रसाद ग्रहण करो। जय माता दी। कन्याओं, जय माता दी। माता रानी, माता रानी। खाओ ना बेटी। ये लो बेटी हलवा लो, ये लो पूरी। स्वाहा। सुलोचना क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अरे गांव वालों, अरे सुनो सुनो, ए चंपा, ए बिकू, ए पार्वती, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो गांव वालों सुनो। तुम्हें मालूम है कि गांव की जिन नौ कन्याओं को तुमने श्रीधर पंडित और उसकी पत्नी के घर पूजन भोजन के लिए भेजा था, उन सभी नौ कन्याओं को उन दोनों ने खाने में विष दे दिया। विष दे दिया? बेटी बेटी कुछ बोल तो। माँ माँ, इन कन्याओं को क्या हो गया? बेटी होश में आओ, देखो सब मर गई। देखो उधर देखो, इन कन्याओं को होश में लाओ माँ। हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दो माँ। मेरी बच्ची, होश में आओ मेरी बच्ची, आंखें खोलो मेरी बच्ची, होश में आओ बेटी। श्रीधर, श्रीधर, ये तुमने क्या किया? इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने मैंने कुछ नहीं किया बाबा। आज तुम्हारे घर में कोई भी अपनी लड़की को नहीं भेजेगा। नहीं बाबा, ऐसा ना कहो। अरे बाबा, तेरी संतान तो है नहीं, ये किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ये व्रत तो टूट गया, जल्दी चलो बेजी के पास लेके चले। स्वामी, हमारी ये पूजा तो अधूरी रह गई, अब हमारा ये व्रत कैसे पूरा होगा? सुलोचना। क्या आप कोई भी कन्या पूजन कराने के लिए हमारे घर नहीं आएगी? क्या मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा माँ? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? आरती लो सुलोचना। स्वामी, लगता है माँ हमसे रूठ गई है। गांव का कोई भी आदमी अपनी कन्या को हमारे घर भोजन करने नहीं भेजेगा, अब मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? सुलोचना, लगता है माँ के दरबार में अभी हमारी परीक्षा शेष है। ये कैसी परीक्षा है स्वामी? 9 साल से मैं अपनी अधूरी आशा को पूरी करने के लिए माँ की आराधना कर रही हूँ, लेकिन आज वो भी टूट गई। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी माँ। हिम्मत ना हारो सुलोचना, हिम्मत ना हारो। माँ, माँ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है,
मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। सुलोचना माँ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं नहीं जीना चाहती। हे माँ, इस दुखिया को अब तुम ही समझाओ। जग जननी के चरणों में विनय करत महावीर, निज भक्तों की है महादेवी, जाए हरो अब भी। तुझ बिन जाने कोई नमा, दीन जनों का अब ना अम्बा करो विलंबा, दया करो तत्काल। ज्योति स्वरूपा माँ वैष्णवी देखो, आ गई भक्त के द्वार। रूप अनूप में अद्भुत कन्या, जग की पालनहार। नैना देवी आओ, दर्शन दो चामुंडा बहन, प्रकट हो चिंतपूर्णी, आओ मनसा बहन, प्रकट हो ज्वाला जी, आओ वज्रेश्वरी, आओ कालिका बहन, आओ शाकुंभरी बहन, अपने भक्तों की सहायता के लिए। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। हम नौ बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा कराएंगे। हाँ वैष्णवी। श्रीधर पंडित जी, हम आ गए। सुलोचना, देखो कौन आया है। चरण उनके बढ़ते ही दिव्य रूप दिखते ही श्रीधर चकित रह गया। है प्रकाश छाया कैसी ये माया, ज्योतिर्मय घर। इस तरह क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पूजा नहीं करनी है पंडित जी, क्या सोच रहे हो? परंतु कन्या हो, तुम्हें भेजा किसने है? माँ की आज्ञा हुई और हम चले आए। परंतु आप लोग आए कहाँ से? गगन द्वार से। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। देखा, माँ ने कन्या पूजन के लिए नौ कन्याएं भेज दी। अच्छा अच्छा, आओ कन्याओं, हम आपका पूजन करें, आओ। चरण धुला नवनीत शहद से, चंदन से, दूध से, पुष्पों से पूजन किया। मस्तक पे रोली के, कन्याओं भोली के, दीन है तिलक लगा। शुभ नवरात्रों में आस्था से, लगन से, पूरण है व्रत ये किया। दयामयी कमला उमा सर्व मंगला, आई है करने दया। ध्यान धर गौरी का, फिर हलवा पूरी का भोजन परोसा। भोजन ग्रहण करो माताओं।
अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम तो आपकी बेटी जैसे हैं पंडित जी, और आप हमें माता क्यों कह रहे हैं? आप सब लोग तो मेरे लिए माता समान ही हैं। आप नहीं आती जय माता तो ये व्रत पूर्ण नहीं होता। सुलोचना, मैं कहता था ना कि मां की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। ये लो चुनरिया और सब कन्याओं को ओढ़ा दो। जी स्वामी। जय माता जी। कन्याओं के शीश चुनरिया दीनी ओढ़ा, मां के पुजारी ने जग की रखवारी ने चिंतन है मन से किया। पूजन और भोजन से व्रत पूरा नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? भंडारा कराने का अर्थ है पूरे गांव को भोजन करवाना? नहीं नहीं, हम में भंडारा कराने की शक्ति नहीं है। हम इतना भोजन कहां से लाएंगे कन्या? जो माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है पंडित जी। परंतु कन्या, इस गांव के सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज और सामग्री हम कहां से लाएंगे? हमारे पास तो उन्हें बिठाने के लिए स्थान भी नहीं है। भूखों को भोजन कराने से बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। भंडारा कराने से माँ प्रसन्न होती है। माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। भंडारे में गांव वालों के साथ भैरोनाथ को बुलाना मत भूलना पंडित जी। तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी। चलो बहनों। जय माता दी। स्वामी क्या सोच रहे हो? सुलोचना, ये भंडारे वाली बात कैसे संभव होगी? स्वामी इस कन्या पर भरोसा कीजिए, आज तक देवी माँ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, अब भी वो रक्षा अवश्य करेंगे। चलिए सारे गांव वालों को न्योता दे आते हैं। हाँ सुलोचना, कोई भी भंडारे में आने से रहना चाहे। चलो। चलिए स्वामी। बोलो रे भाई। जय माता। पिताजी। जय माता जी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। प्रणाम पिताजी। आओ मेरे बच्चों, पाए लागू, जीते रहो। पिताजी हमारे कन्या पूजन का व्रत पूरा हुआ और हमें एक दिव्य कन्या ने कहा है कि यदि हम गांव में भंडारा कराएंगे तो हमारे व्रत की पूर्ण आहुति होगी। और उस दिव्य कन्या के कहने पर हमने पूरे गांव वालों को निमंत्रण भी दे दिया है। आप भी अवश्य आइएगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हाँ, मैं अवश्य आऊंगा मेरे बच्चों। माँ तुम लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। जय माता। जय माता। जय माता दी। माता जी की कृपा से कल हमारे घर में भंडारा है, आप अवश्य पधारिए। जरूर आएंगे। जय माता दी। सारे आएंगे। हाँ धनी राम जी। जय माता दी। बोलो क्या बात है? माँ की आज्ञा से मैंने अपने घर में भंडारा रखा है, सारे गांव वालों को बुलाया है, आप भी अवश्य आइएगा। सारे गांव वालों को? जी हाँ। सारे गांव वालों को खिलाओगे क्या? कहाँ से लाओगे सामान? हवा खिलाने के लिए बुलाया क्या सबको? ये सब तो माँ ही जाने, लेकिन आप अवश्य आइएगा। जमुना बहन। क्या है? क्या बात है? कल हमारे घर भंडारा है, आप परिवार सहित जरूर पधारिए। हम जरूर आएंगे। एक अबोध बच्ची ने तुझसे कहा और तूने घर में भंडारा रख लिया, क्या लोगों के सामने हंसी कराएगा? ऐसी भूल कभी ना करना श्रीधर। नहीं भैया ऐसा ना कहिए, मेरा जो माँ के प्रति विश्वास है उसे ठेस तो ना पहुंचाइए। ये भंडारा होगा भैया, अवश्य होगा, और माँ की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, आप भी अवश्य पधारिएगा। चाची। हाँ जी। कल हमारे घर आप लोग भोजन पर जरूर पधारिए। जरूर आएंगे। आएंगे। जय माता दी।
ओम रिम क्लिम शक्ति देवाय नमः। भैरवनाथ को श्रीधर प्रणाम करता है। श्रीधर, तुम यहां, तुम्हारी हिम्मत की हम दाद देते हैं। स्वयं शत्रु की मान में चला आया। हाँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है भैरवनाथ। मैं तो आपको मेरे यहां होने वाले भंडारे पर भोजन का निमंत्रण देने आया हूं। हमें भोजन का निमंत्रण देने आए हो? अरे इंद्र भी हमें भोजन नहीं करा सका, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी हमें क्या भोजन करवाएगा? हमें तृप्त करना इतना आसान नहीं है। वैसे ये भंडारे की सलाह तुझे किसने दी है? एक दिव्य कन्या ने, जिसने हमारा कन्या पूजन का व्रत पूर्ण करवाया। उसी ने कहा कि तुम अपने यहां भंडारा करवाओ और देवी मां की कृपा से तुम्हारा भंडारा अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो कन्या सबको भोजन करवाएगी? हां हां भैरवनाथ जी। तब तो उस कन्या को हम अवश्य देखेंगे, परंतु एक बात का ध्यान रखना श्रीधर, हम अकेले नहीं, हमारे साथ अनेक साधु आएंगे, तुम्हें उन सबको भोजन करवाना होगा। हां मेरे अहो भाग्य, आप अवश्य पधारेगा भैरवनाथ जी। प्रणाम। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा। प्रणाम गोरखनाथ जी। प्रणाम प्रणाम। अरे जीता रहो। आप भी भैरवनाथ जी के साथ हमारे यहाँ भंडारे पर अवश्य पधारिएगा। भंडारा जी? तुम्हारे यहाँ? जी हाँ। देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे, देखेंगे सोचेंगे। गुरुदेव गुरुदेव, ये जानते हुए कि ये पंडित हमें भोजन नहीं करवा सकता, फिर भी आपने इसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया? निमंत्रण नहीं गोरखनाथ, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो कन्या जिसका सहारा लेकर श्रीधर हमें भंडारे का निमंत्रण दे गया है। हम उसके घर अवश्य जाएंगे और देखेंगे तमाशा। अब आएगा मजा, जब सारे गांव के सामने उसकी हंसी उड़ेगी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए पुजारी जी। जय माता दी। जय माता दी। भंडारे के लिए भोजन कहां बन रहा है? आप क्यों चिंता करते हैं यज्ञधर जी, चलिए अंदर चलिए। श्रीधर, बेटी सुलोचना। भैया आप आगे। भैया जय माता दी। देवी और सजनों अंदर पधारिए। भोजन का तो यहाँ कहीं आता पता नहीं है, तो फिर हमें बुलाया किस लिए? अपमान करने के लिए? इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों को बिठाओगे कहाँ? माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा भैया, आप अंदर पधारिए। भजमन नारायण नारायण। जय माता दी, 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 जय माता दी। प्रणाम पिताजी। जीत रहो बेटा। बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। दिव्य कन्या के भरोसे हमने पूरे गांव वालों को भंडारे पे बुला लिया है स्वामी, लेकिन उस कन्या का तो कुछ पता ही नहीं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ माँ। प्रणाम माँ। क्या बात है मुनिवर? आज तो आपने अपने भगत को बड़े संकट में डाल दिया मां। आपने श्रीधर को वचन तो दे दिया कि भंडारा लगाओ, और आपके वचन पर श्रीधर ने समस्त गांव वालों को अपने घर पर बुला लिया। परंतु आपने तनिक ये भी सोचा कि इतने छोटे से घर में वो उन्हें बिठाएगा कहां और खिलाएगा क्या?
बेचारा श्रीधर। नारायण नारायण। माँ तेरी लीला अपरंपार है। माँ आइए आइए पधारिए यहाँ आइए आइए ना जय माता दी जय माता दी जय माता दी। यहाँ पधारिए आइए बैठिए बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी 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 मिलकर बोलो जय माता पंडित श्रीधर श्रीधर पंडित श्रीधर आइए आइए भैरवनाथ जी। हाँ हम आ गए हैं। तुमने भंडारा रखा परंतु भोजन का प्रबंध तो कहीं नजर नहीं आता। और कहाँ है वो कन्या जिसके विश्वास पर तुमने हमें और सारे गांव को न्योता दिया है? वो कन्या वन्या तो नहीं आएगी प्रभु। ऐसा ना कहिए गोरखनाथ जी, वो बस आती ही होंगी। अरे हमारे सामने क्या आएगी वो? आप विराजी भैरवनाथ जी, आप विराजी। चलिए जय बाबा भैरवनाथ। आइए भैरवनाथ जी विराजी, आइए विराजी, आइए पधारिए विराजी। महाराज ये हम क्या देख रहे हैं? हम छोटे हो गए हैं या फिर ये जगह बड़ी हो गई है? लगता है ये पंडित हमें चमत्कार दिखाना चाहता है। हे माँ हमारी लाज अब तेरे हाथों में है। गांव वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, हम भंडारा कैसे करेंगे? माँ कैसे भी करके उस कन्या को इधर भेज दो, कैसे भी करके उस कन्या को भेज दो। उस कन्या को भेजो माँ, उस कन्या को भेजो। हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी रक्षा करो माँ। आप आ गई? मैं आ गई। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? माँ पर विश्वास नहीं था? मैं देखो सब तैयारियां हो गई हैं। देखो चलिए
चमत्कार हो गया। माँ ने हमारी लाज रखी। चलिए भंडारा आरंभ करें। लीजिए माता का प्रसाद लीजिए। प्रसाद लीजिए, आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। ये लीजिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। भोजन आरंभ करो सज्जनों। जय माता दी। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। अरे लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। प्रभु, प्रभु भी गायब हो गए, कन्या भी गायब होगी, मेरा क्या होगा? माँ, 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 माँ। मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना चुड़ा कर हार, मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना चुड़ा कर हार। गगन के मार्ग माँ चली पीछे भैरवनाथ, पीछे भैरवनाथ। प्रकट हुई माँ धरती पे नमन की। जय माता दी। माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी भैरवनाथ को मृत्यु लोक पहुँचा दूँ। नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माताजी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूँगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं अभी स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, फूटी जल की धार। बाण गंगा तभी इसको कहता ये संसार, जल पिया बजरंगी ने पल में प्यास बुझी। रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची, केश धोए यहाँ मैया ने थे जिस जग उभरे। चरण पादुका कह उसको सारा जग सुमरे। हे जगत जननी, मेरे लिए क्या आज्ञा? महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है, मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ, अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ वैष्णो देवी, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी, अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता दी, जय माता दी,
जय मां वैष्णो देवी की, जय माता दी। ये चमत्कारी कन्या अवश्य वैष्णो देवी ही है, परंतु मुझसे कब तक छुपेगी? एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। जय बाबा भैरव। गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? क्या वो कन्या कहीं मिली आपको? नहीं गोरखनाथ, नहीं। वो कन्या चंचली नहीं बल्कि बहुत चालाक निकली, हमें चकमा देकर न जाने कहां छुप गई। गुरुदेव, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो इसमें श्रीधर का ही जादू लगता है, बल्कि गांव वाले तो इसे श्रीधर का ही चमत्कार समझ रहे हैं। चमत्कार? हाँ हाँ, उस पाखंडी को समाप्त करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। गोरखनाथ जी, तुम गांव वालों के साथ में मिलकर उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लो जिसमें वो सफल ही ना हो सके, और जब वो सफल ही नहीं होगा तो गांव वाले स्वयं उसे मार मार कर समाप्त कर देंगे। वाह गुरुदेव वाह। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुते। वैष्णो माता की जय। वैष्णो माता की जय। वैष्णो माता की जय। स्वामी प्रसाद लीजिए। श्रीधर, आज कितने हर्षोल्लास का दिन है। नए मंदिर में माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई है और कितने ही भक्तजन दर्शनों के लिए आएंगे, लेकिन इस खुशी के अवसर पर तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? क्या करूं बाबा, भंडारा अधूरा रह गया, कई लोग भोजन किए बिना ही चले गए। वो कन्या न जाने हमसे रूठकर कहां चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ भाइयों आओ, आज इस पखंडी की पोल हम खोल कर रहेंगे, पूछते हैं इससे कौन थी वो। क्यों रे पखंडी, वो कन्या नहीं, वो तेरा माया जाल था। तू भक्त नहीं, तू जादूगर है, जादूगर। बताओ वो कन्या कौन थी, कहां से आई और कहां चली गई वो। सच सच बता दे, नहीं तो आज इस गांव में तुझे रहने नहीं दिया जाएगा। वो माँ का ही रूप थी, वो स्वयं माँ थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे इस तरह की बातें करके तुम भोले भाले गांव वालों को बुद्धू बना सकते हो, हमें नहीं। यदि तुम माँ के सच्चे भक्त हो तो उसका परिचय दो हमें। देखो वो सामने माँ की मूर्ति के गले में पड़ा हुआ हार यदि अपने आप तुम्हारे गले में आ जाए तो हम मान लेंगे कि तुम माँ के सच्चे भक्त हो, और हम भी सदा के लिए तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। बोलो स्वीकार? ये तो मां की इच्छा पर ही निर्भर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी भैरा वाली माँ।
रूप तो है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। वैष्णो देवी की जय।
की जय। शरणाली माता की जय। देवी माता की जय। वैष्णो माता की जय। शरणाली माता की जय। वैष्णो देवी की जय। माता जी देवी रानी की जय। जय माता वैष्णो देवी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अगले बोलो जय माता दी। पिछले बोलो जय माता दी। पाड़ा वाली जय माता दी। लट्टा वाली जय माता दी। खेरा वाली जय माता दी। जय माता दी। वाह 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 प्रभु वाह, क्या चमत्कार देख लिया आज अपनी आंखों से हमने। वाह, धन्य हो पंडित श्रीधर, धन्य हो। प्रभु मेरी आपसे एक विनती है कि आप पंडित श्रीधर से अपनी दुश्मनी त्याग कर माता का नाम लेकर माता की भक्ति स्वीकार कर लो प्रभु। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मूर्ख, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं नहीं, भ्रष्ट ही नहीं, ये कहूंगा कि तू बुद्धिहीन हो गया है। प्रभु मैं अब अपनी तपस्या में लीन होकर के देखूंगा कि कहां छुपी हो वैष्णव देवी। हाँ। कहां छुपी है वो? कहां छुपी है? मैं तुझे जरूर देख लूंगा, तू कहां है। जा, चला जा यहां से। जयमन 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 जयमन। मुझे एकांत चाहिए। रुक जा, रुक जा, भैरवनाथ, रुक जा, अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमारी व्रत धारण किया है। मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा। Oh!
अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। महाबली। प्रणाम मातेश्वरी। इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों होगा। मैं कहती हूं अब भी मान जा, चला जा यहां से। मां, मां, मां मुझे दर्शन दो। मां, मां मुझे दर्शन दो। मां भैरव, हे आदिशक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मां, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था मां, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था। मां, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मां, हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था। मां, यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? मां, आप तो ममता महिमा है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी मां, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी ना कहे। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे मां मां पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और ये वरदान देती हूं भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो मां। मेरे भक्त, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। लाता वाली जय माता दी। जय।
माँ वैष्णो देवी, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। बार बार तूने मेरे कष्ट मिटाए, मेरी हर परीक्षा पूर्ण की, परंतु मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया वहां, मुझसे कौन सी भूल हुई है, कौन सा पाप हो गया है, किया क्या है मैंने, क्या किया है मैंने? स्वामी प्रसाद ले लीजिए। नहीं सुलोचना, माता का भंडारा अधूरा रह गया, वो दिव्य कन्या चली गई, सब कुछ अधूरा रह गया। और जब माता ही मुझसे रूठ गई तो मैं क्यों जीऊं, क्यों जीऊं, मैं किसके लिए जीऊं? स्वामी ऐसा मत कहिए, स्वामी ऐसा मत कहिए। जब तक माता वैष्णो देवी मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देंगी, मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और माता का नाम पुकारते पुकारते मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। मां प्रकट हो, मां प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम मां। मां आपके परम भक्त श्रीधर ने प्रतिज्ञा ली है, यदि आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए वो अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, स्वामी कितने दिनों से आपने जलपान भी नहीं किया, क्या दशा बना ली है अपनी, लीजिए थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। नहीं सुलोचना, जिद ना करो। श्रीधर, श्रीधर ये जिद छोड़ दो बेटा। नहीं बाबा नहीं, ये एक माँ और बेटे की जिद है, बेटा माँ से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ एक दिन मुझे अवश्य दर्शन देंगे। दर्शन दो माँ, दर्शन दो। माँ आप तो परम दयालु हैं, इस जगत की माता हैं, फिर ये कसौटी क्यों? मुनिवर ये तो भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा है। सुलोचना, बेटी सुलोचना, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। देखो तुमने भी कई रोज से कुछ नहीं खाया, मां का प्रसाद लाया हूं, थोड़ा सा खा, खा ले। मैं कैसे खा लूं बाबा, मैं कैसे खा लूं? इन्होंने कई दिन से अंजल का त्याग किया हुआ है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बाबा, क्यों मुझसे मां नाराज है, मैंने ऐसा क्या किया है? धीरज रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। धीरज, धीरज कैसे रखूं मैं बाबा, उन्होंने तो मां के चरणों में अपनी जान देने का प्रण किया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मां पर भरोसा रखो बेटी, मां पर भरोसा रखो। मां अपने परम भक्त की ये कैसी कठिन परीक्षा ले रही हैं आप, एक तरफ आप दर्शन न देने का हट किए बैठी हैं और दूसरी तरफ बेचारा श्रीधर अपने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा लिए, आप दोनों के बीच में बेचारी सुलोचना का क्या दोष, उसका सुहाग क्यों उजाड़ना चाहती हैं आप? दया करो मां, दया करो।
बेटी मां पर विश्वास रख बेटी, मां तेरा सुहाग कभी नहीं भूलेगी, उस दादी पर विश्वास। बेटी बेटी संभल बेटी, होश में आ, आंखें खोल। मां उस पर दया करो, मां अपने भक्त को दर्शन दो। दया करो मां, दया करो। उठो भक्तराज, उठो। प्रकटी मैया जीत गया श्रीधर का विश्वास, बुझी प्यासे नैनन की, जन्म जन्म की प्यास। तुम्हारी भक्ति की जीत हुई वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो रहे थे पुत्र? मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही थी। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ होती हूँ और उन्हें मेरे दर्शन दरबार में अवश्य होते हैं। जय माता दी। लेकिन माँ आपका दरबार है कहाँ? त्रिकूट पर्वत पर। मेरे दरबार की ओर आते हुए सबसे पहले बाण गंगा मिलती है, जहां वीर हनुमान को जल पिलाने के लिए मैंने गंगा प्रकट की थी। इसमें मैंने केश भी धोए, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। थोड़ा और आगे चलोगे तो चरण पादुका के निशान हैं। जब भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा था, तब यहां रुककर मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा था। ये वही पदचिन्ह है। और आगे चलोगे तो अर्धकुंवारी है, जहां 9 माह तक मैंने विश्राम किया था। फिर थोड़ा आगे चलोगे तो हाथी मत्था, सांझी छत और दर्शनी दरवाजा है। उसके बाद अंत में मेरी गुफा का द्वार आता है, जहां सदैव गंगा प्रवाहित होती है। यहां मैं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के साथ विराजमान हूँ। जय माता दी। मैं अपने भक्तों को दर्शन भी यहाँ देती हूँ। जो भक्त सच्चे मन से जय माता दी पुकारता हुआ मेरे दर्शन के लिए आता है, मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ। इस यात्रा के साथ उनकी जीवन यात्रा में भी कभी कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उनके साथ मेरा आशीर्वाद जो रहता है। मुझ पर एक कृपा और कर दो मां, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। जय माता दी। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं वत्स। मेरा आशीर्वाद है कि मेरे पवित्र स्थानों के दर्शनों का सबसे पहले अधिकार तुम्हारा होगा। आज से तुम और तुम्हारे आने वाले वंशज मेरे दरबार में मेरी सेवा करते रहोगे। सुलोचना, श्रीधर, बाबा, श्रीधर, बाबा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे, सुलोचना, आंखें खोलो, देखो, श्रीधर, हाँ, उठो, उठो, स्वामी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ सुलोचना, जय माता दी, माता की कृपा है, आज माता वैष्णो देवी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। सच स्वामी, आप सच कह रहे हैं? हाँ सुलोचना, माता वैष्णो देवी ने मेरे सारे सपने सच कर दिए हैं, और माता ने तुम्हें भी 4 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है। सच कह रहे हैं स्वामी, जय माता दी, जय माता दी। और माता वैष्णो देवी ने हमें और हमारे वंशजों को पूजा करने का आजीवन अधिकार भी दिया है। हाँ हे माता, तेरी माया अपरंपार है। अब मैं माता के द्वारा दिखाए हुए स्थानों को
उनके भक्तों को दर्शन करवाऊंगा और माता वैष्णो देवी के द्वारा चलाए गए वैष्णव धर्म का पूरे संसार में प्रचार करूंगा। जय माता दी, जय माता दी। माता वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से प्रारंभ होती है। जम्मू से लगभग 43 किलोमीटर पर कटरा गांव पड़ता है, जहां से माता के दरबार की दूरी लगभग 14.5 किलोमीटर रह जाती है। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर आगे वो ऐतिहासिक मंदिर है, जहां आज से 700 साल पहले माता ने अपने भक्त बाबा श्रीधर जी को एक कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। यहीं पर वो दर्शनी दरवाजा है, जहां से कन्या रूपिणी माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर गई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो बाण गंगा है, जहां बाण चलाकर माता ने गंगा प्रकट की थी। इसी बाण गंगा के जल से माता ने अपने बाल धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं। पास ही माता की चरण पादुका का मंदिर है, जहां खड़ी रहकर माता ने अपना पीछा करने वाले भैरवनाथ को देखकर गर्भ गुफा में प्रवेश किया था। जिस तरह बालक माता के गर्भ में 9 मास रहता है, उसी तरह इस गुफा में माता 9 महीने रही, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। यहीं आदि कुमारी माता का मंदिर भी है, जहां थके यात्री विश्राम करते हैं। यहीं से माता के दरबार में पहुंचने के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई प्रारंभ होती है, इसीलिए इस स्थान को हाथी मत्था नाम दिया गया। हाथी मत्था से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत है। सांझी छत से कुछ और ऊपर पर्वत के अंचल में माता शेरावाली का दरबार है। माता के दरबार में मां वैष्णो देवी तीनों महाशक्तियों के रूप में विराजमान हैं। शक्ति की देवी मां महाकाली, धन की देवी महालक्ष्मी रूपिणी मां वैष्णो देवी तथा ज्ञान की देवी मां महासरस्वती इस गुफा की चट्टानों में 5 फुट अंदर तक पूर्ण मूर्ति रूप खड़ी हैं। इस गुफा में तीनों माताओं के एक साथ दर्शन से भक्त की शक्ति, ज्ञान तथा धन संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन तीनों माताओं के एक साथ दर्शन माता वैष्णो देवी की गुफा में ही होते हैं। मां शेरावाली के दर्शन के बाद लौटते हुए भक्तगण भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं। माता ने स्वयं कहा था कि भैरवनाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। धन्य हो मां वैष्णो देवी, जय माता दी।
उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तेरी हे माँ